बेसिस क्या है फिजिकली और किस तरह से इंकरेजमेंट मिलता है जब किसी को अवार्ड दिया जाता है? ये जानकी देवी जी बजाज पुरस्कार इसीलिए इंडियन मर्चेंट चेंबर्स ने इसका शुरुआत की क्योंकि जानकी देवी जी एक औरतों के लिए एक रोल मॉडल हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन औरतों की और पीड़ित लोगों की सेवा में गुजारा है और उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि औरत अपने आप में एक शक्ति बने और अपना ध्यान खुद रख सके और एक अपना मुकाम पाए। तो इसीलिए जानकी देवी जी ने इतना अच्छा कार्य अपने पूरे जीवन में किया और रूरल इंडिया के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए वो एक हमारे लिए रोल मॉडल है और हम पूरे भारत विश्व से हर साल एक नई औरत को ये पुरस्कार देते हैं जिससे बाकी सब औरतों को जो इस भारत में हैं और जो गांव में और दूर दूर बसी हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि इन्होंने जैसे अपने जीवन की शुरुआत की और अकेली औरत ने थोड़ा सा लोन लेके इन्होंने कहा कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, मुझे कुछ बनना है, इनका कोई सहारा नहीं था और एक छोटी सी उम्र में 14 साल की उम्र में इन्होंने अपना जीवन इस कार्य में किया। इन्होंने कैसा अपना रूरल इंडिया में वेस्ट बंगाल में इन्होंने अपना जूट से अपना कार्य शुरू किया, थोड़ी औरतों से शुरू किया और 2013 और 2015 इतनी दो साल की तेज गति से जैसे ये आगे बढ़ी हैं, 300 औरतों को इन्होंने काम दिया जिसमें से 100 औरतें इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो गई कि उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया। अनीता डोंगरे जी को इसलिए बुलाया है क्योंकि अनीता डोंगरे जी भी इस कार्य में एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। उन्होंने भी रूरल इंडिया से जो क्राफ्ट्समैनशिप हैं उनसे अभी अपनी नई लाइन शुरू की है, वो बनारस के वीवर्स से उन्होंने अपना कैसे उन्होंने क्रिएट किया, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सो इस साल के लिए वी थॉट शी वॉज अ रोल मॉडल।